हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोके के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले लखनऊ सुपर जायंट्स यानी आईपीएल 2024 का स्क्वाड कंपोजिशन करेंगे। तो बात कर देंगे टीम स्पेशलाइजेशन, जहां पे 2022 के सेशन से पहले आईपीएल में जोड़ी गई दो नई टीमों में से एक टीम लखनऊ सुपर जायंट्स है, जो कि 7,090 करोड़ रुपए रिकॉर्ड राशि में खरीदा गया था। जहां पर आरपी संजीव गोयनका समूह, जो पहले 2016-17 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स फ्रेंचाइजी का मालिक था, वहीं पे एंडी फ्लावर को मुख्य कोच और गौतम गंभीर को मेंटर नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं सेशन के पहले, जहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स में 9 जीत के साथ प्लेऑफ में क्वालिफाई किया था, जहां पे केएल राहुल, वनडे डिकॉक, दीपक हुड्डा ने अपने बीच लगभग 1600 रन बनाए और अनकैप सिमर मोहन सिंह खान के लिए एक सफल सीजन था, जहां पे एलएसजी हाई स्कोरिंग एलिमिनेटर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से हार गई। वहीं अगर बात करें दूसरे चरण के आईपीएल यानी 2023 के, जहां पे 8 लीग मैच के बाद फिर से वो क्वालिफाई की और फिर से एलिमिनेटर में बाहर हो गई, तो जहां पे उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत अपने कप्तान केएल राहुल को चोट के कारण खो दिया, लेकिन विदेशी बल्लेबाज काइल मायर्स, निकोलस पुरन, मार्कस स्टोनिस उन्हें आक्रमण बनाए रखे। अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज जहां पे नमील उलॉक ने अपने पहले सेशन में 8 मैच में 11 विकेट लिए थे, जिसके बाद लखनऊ की टीम आईपीएल में एक बार फिर से उभर कर बाहर आई। नेक्स्ट टॉपिक जो विकेट कीपर्स है, तो दोस्तों आपको लखनऊ सुपर जायंट्स इस बार आईपीएल 2024 3 विकेट कीपर्स बल्लेबाज के साथ आपको इस टूर्नामेंट में नजर आने वाले। तो कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में आपको काफी सारे विकेट कीपिंग के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है, क्विंटन डिकॉक है, केएल राहुल है, निकोलस पुरन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि बैट्समैन है, तो दोस्तों आपको लखनऊ सुपर जायंट्स में कई सारे आपको बैटिंग के भी ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, जो कि देवदत्त पड्डीकल है, आयुष पदोनी है, एस्टोन टर्नर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि ऑलराउंडर है, दोस्तों आपको लखनऊ सुपर जायंट्स में आपको कई सारे ऑलराउंडर भी देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है की बात करें, जो कि दीपक हुड्डा है, के गौतम है, काइल मायर्स से, मार्कस स्टोनी से, प्रेरक मंकड है, युद्धवीर सिंह चरक है, अश्विन कुलकर्णी है, मोहम्मद अरशद खान है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि स्पिनर्स है, दोस्तों आपको लखनऊ सुपर जायंट्स में स्पिनर्स की कमी भी नहीं देखने को मिलेगी, जो कि कुणाल पांड्या है, अमित मिश्रा है, मनीरम सिद्धार्थ है, रवि बिश्नोई है, मोहसिन खान है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि फास्ट बॉलर है, दोस्तों आपको लखनऊ सुपर जायंट्स में कई सारे फास्ट बॉलर भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि मार्क वुड है, मयंक यादव है, यश ठाकुर है, नवल उल हक है, शिवम माबी है, मनीरम सिद्धार्थ है, डेविड विल है। अब अगर बात करते हैं इनके स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 देखते हैं, तो पहली प्लेयर की बात करें जो कि क्विंटन डिकॉक है, तो डिकॉक की बात करें जहां पे आईपीएल में एक प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर है, जो अपने शक्तिशाली बैटिंग स्टाइल और तेज रन रेटिंग के लिए प्रसिद्ध है। जहां पे क्विंटन डिकॉक ने विभिन्न टीमों में खेलते हुए अपनी क्षमताओं का परफॉर्मेंस किया है, लेकिन उन्होंने अपने रूप मुख्य रूप से लखनऊ के साथ आईपीएल में खेलते हैं। उन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के माध्यम से टीम को बड़े स्कोरों पर मदद भी की है, अक्सर धासु गेमिंग की सामर्थ्य को दिखाया। उनका योगदान अपनी टीम के लिए अहम होता है, उन्हें बड़े मैदानों पर देखना खिलाड़ियों के लिए एक आत्मगर्व की बात है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर जो कि केएल राहुल है, केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल में अपना कप्तानी की भूमिका निभाई है। उन्होंने अपनी टीम के नेतृत्व में किया, अपने बल्लेबाजी माध्यम से उम्मीदवारों को प्रेरित भी किया। केएल राहुल अपने प्रदर्शन प्रशंसा की टीम को अपने अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। उन्होंने अपने खेल के माध्यम से टीम को स्थिरता प्रदर्शन सुधारने में मदद की है। उनके नेतृत्व में जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ में क्वालिफाई की दिशा भी प्रगति की, उनका योगदान टीम के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन महत्वपूर्ण रहा। अब बात करते हैं तीसरी प्लेयर जो कि देवदत्त पड्डीकल है, देवदत्त पड्डीकल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल में खेला, उन्होंने बल्लेबाजी के माध्यम से टीम को मजबूती स्थायित्व दिया। उन्होंने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से सभी उम्मीदवारों को प्रेरित किया, टीम के लिए एक महत्वपूर्ण रोल भी निभाया। उनका योगदान टीम के लिए परफॉर्मेंस लाने में एक अच्छी रोल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर जो कि निकोलस पुरन है, निकोलस पुरन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल में अपनी बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस किया, उन्होंने तेज धांसू बल्लेबाजी माध्यम से टीम को मजबूती दी, उन्होंने अपने प्रदर्शन से उम्मीदवारों को प्रेरित भी किया, टीम के लिए एक महत्वपूर्ण रोल भी निभाया। उनका योगदान टीम के प्रदर्शन में बढ़त लाने में महत्वपूर्ण रहा, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में माना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर जो कि कुणाल पांड्या है, कुणाल पांड्या लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल में अपने योगदान का प्रदर्शन किया, अपने अच्छे गेम प्ले और अनुभव के साथ टीम को समर्थित किया। जहां पर कुणाल पांड्या अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का परफॉर्मेंस भी है, जिसमें टीम को मजबूती मिली। उनकी प्रभावी खेलकूद के कारण उनके लखनऊ सुपर जायंट्स के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें जो कि मार्कस स्टोनिस है, मार्कस स्टोनिस ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल में अपना योगदान दिया, उन्होंने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया, जो टीम के लिए एक महत्वपूर्ण है। जहां पर स्टोनिस ताकतवर बल्लेबाजी, सटीक गेंदबाजी, टीम के क्षेत्र विभिन्न मामलों में मदद की है, उनका योगदान टीम के लिए एक अच्छा
हाई स्कोरिंग में मदद करता है। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स के महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें जो कि आयुष बदोनी है। आयुष बदोनी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल में खेला, डेब्यू किया। एक युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो अपने बल्लेबाजी के क्षेत्र में अपनी क्षमता का परफॉर्मेंस करता है। उन्होंने टीम को मजबूती और सामर्थ्य दिखाई। बदोनी के खेल के माध्यम से उम्मीदवारों को प्रेरित कर रहे हैं। उन्हें एक लखनऊ सुपर जायंट्स के महत्वपूर्ण सदस्य का भी रूप का हिस्सा माना जाता है। आठवीं प्लेयर की बात करें जो कि शिवम आवी है। शिवम आवी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल में अपना योगदान दिया। एक युवा उत्कृष्ट गेंदबाज जो अपने तेज गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध है। मावी ने अपनी टीम को मजबूती सार्थकता के साथ सहायता प्रदान की। उनकी गेंदबाजी के जरिए विभिन्न मामलों में विराट उम्मीदवारों को परेशान करने में मदद करते हैं। उनका योगदान टीम के लिए वृद्धि करने में महत्वपूर्ण रहा। वो भी एक अच्छे प्लेयर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर जो कि मार्क वुड है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड जाने जाते हैं जो अपने सटीक फास्ट बॉलिंग और सटीक वर्कर्स के लिए जाने जाते हैं। बीते कुछ समय में उन्होंने अपने इंटरनेशनल टीम के लिए काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस किया। बात करते हैं लखनऊ टीम के लिए जो कि उन्होंने पिछले सीजन में अपने खेले गए टीम के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया जो कि वो भी एक तरह से सदस्य है। द नेक्स्ट प्लेयर जो कि रवि बिश्नोई है। रवि बिश्नोई लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल में खेले। उन्होंने अपनी गेंदबाजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और टीम को मजबूती समर्थन प्रदान किया। रवि बिश्नोई तेज गेंदबाजी, उनकी विकेट लेने की क्षमता उन्हें एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में बनाया। उनके प्रदर्शन टीम को उत्कृष्ट दिशा की मदद करती है। काफी अच्छे बॉलर भी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर जो कि यश ठाकुर है। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा गेंदबाज यश ठाकुर जाने जाते हैं जो कि तेज गेंदबाजी के लिए हाल ही में उन्होंने हाई कॉन्फिडेंस क्रिकेट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, काफ़ी अच्छा मैच भी जीता और काफ़ी अच्छा प्लेयर भी है। तो यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स को काफ़ी हेल्प मिल सकती है। चलिए दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या इस बार आईपीएल 2024 में क्या लखनऊ अपना टाइटल जीतेगी या नहीं जीतेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग जोर देखिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।